सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ न्यू ब्लॉग। जैसा कि हम सबको पता ही है, करवा चौथ आने वाला है। सो आई एम गोना डेकोरेट करवास जस्ट लाइक मैजिक। बट ये देखने में मैजिक जैसा लग रहा है, बट ये इतनी आसानी से नहीं हुआ था। इसको करने में बड़ी मेहनत लगी है। तो आई एम गोना शो यू BTS। नहीं, वो वाला BTS नहीं, बिहाइंड द सीन वाला BTS कि मैंने कैसे इसको पूरा पेंट किया और पेंट करने के बाद इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। तो फाइनली ये सूख चुका है और हम अब करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम, नीड द क्राफ्टिंग डो, जिसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे चौक मिट्टी। जितना आपको लगे ज़रूरत है उतनी चौक मिट्टी ले लो। हाँ, थोड़ी और चाहिए, थोड़ी और आप लोग अपने अंदाजे से ले सकते हो। फिर आता है सबसे मज़ेदार काम, इसमें पानी डाल के इसको नीड करने का काम। इट लुक्स रियली सेटिस्फाइंग, नहीं? बट ऐसे तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी इसको बनाने में। तो लेट्स डू इट, इसको मिक्स करते हैं और फिर इसको नीड करते हैं। मुझे लगता है मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा चौक मिट्टी का पाउडर और मिलाना पड़ेगा और फिर इसको नीड करते हैं। थोड़ा और पाउडर मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग मेन चीज़ ऐड करेंगे, जो कि है फेविकॉल, और बहुत सारा फेविकॉल। पहले तो मैंने थोड़ा ही लिया है, खैर, तो इसको पहले इसमें मिक्स करते हैं ताकि ये जो मिट्टी है, ये जो डो है, ये टूटे नहीं और इसमें क्रैक्स ना आए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें खूब सारा फेविकॉल मिक्स करें और इसको अच्छे से नीड करें। इस प्रोसेस में जो सबसे ज़्यादा मेहनत का काम है ना, वो यही है कि इस डो को नीड करते रहना, गूंदते रहना, जब तक कि डो बहुत अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और जब तक आपको सॉफ्ट ना लगे, इसमें फेविकॉल मिलाते रहना, क्योंकि जितना फेविकॉल मिलाओगे ये डो सूखने के बाद उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और डिज़ाइन में क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। अब फाइनली मैंने इसको बहुत गूंद लिया है और इसको मैं अब पॉली बैग में कर रही हूँ स्टोर, और जितना मुझे चाहिए अभी के लिए वो मैंने ले लिया है और इसको अब रख देते हैं साइड में। नाउ आई एम गोना मेक डिज़ाइंस आउट ऑफ इट। अब जो भी डिज़ाइन हम लोग बनाएंगे वो टूटेगा नहीं, और जैसी भी शेप का डिज़ाइन बनाना है वो सब बन जाएगा। और यहाँ पे मैं अपने हाथों को डस्ट कर रही हूँ चौक मिट्टी से ही, ताकि मिट्टी मेरे हाथ में चिपके नहीं। और अब मैंने ये एक लाइन बना के, लाइन ही बोलूँगी, क्या बोलूँगी इसको, हाँ, लाइन बना के यहाँ पे शोइंग यू कि कैसा लगने वाला है डिज़ाइन। तो ये ऐसा लगेगा लगने के बाद। नाउ आई एम मेकिंग द अदर वन। तो अब हम इसको फेवी बॉन्ड से स्टिक करेंगे। पहले फेवी बॉन्ड की एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें इस डो को, इस डिज़ाइन को स्टिक करना है। तो ऐसे ही वन बाय वन मैं सारी लाइंस को बना के और यहाँ पे स्टिक कर दूंगी और फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। टाडा! तो अभी मैंने सारी लाइंस लगा दी और अब टाइम है इसमें पत्तियों वाला डिज़ाइन लगाने का। तो पत्तियों का डिज़ाइन मैं कैसे बना रही हूँ वो आप लोग देख ही सकते हो, बस हाथों से पत्तियों की शेप देकर और फिर किसी भी चीज़ से, आप लोग एक टूथपिक भी यूज़ कर सकते हो, उससे इसके ऊपर पत्तियों वाली लाइंस बना लेंगे, फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब एक एक करके मैं इन पत्तियों को भी स्टिक कर दूंगी। और ऐसे ही सारी पत्तियों को स्टिक कर लेंगे
और ये देखो भाई अभी से कितना सुंदर दिख रहा है। बस अब इन पत्तियों को हम लोग जो भी कलर से पेंट करना चाहें कर सकते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। तो ये जितना दिखता है ना आसान, ये उतना आसान काम है नहीं। मेहनत तो लगती ही है, बट चीज़ें भी ना बहुत फैल जाती हैं। नाउ इट्स टाइम टू फन टास्क, इसको पेंट करने का। तो मैं कर रही हूँ इन पत्तियों पे सिल्वर कलर। वैसे तो मैं गोल्डन भी करती हूँ कई डिज़ाइंस में, पर आज मैं इस पर सिल्वर करने वाली हूँ। तो जो भी मन हो आपका आप वो कर सकते हो, चाहे तो इनको कलरफुल बना सकते हो, बट आई लाइक सिल्वर एंड गोल्ड। लेट्स डू इट। ये काम जितना फन है उतना ही ये ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि रेड वाले पार्ट पे अगर पेंट लग गया तो उसको हमें लास्ट में करेक्ट करना पड़ता है रेड पेंट से, तो दो दो बार मेहनत हो जाती है, तो इसलिए बड़े ध्यान से करना पड़ता है। तो इसको पूरा पेंट करने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। टाटा, फाइनली इट्स कंप्लीट नाउ। तो ये करवा डेकोरेशन कैसी लगी आपको मुझे प्लीज कमेंट्स में बताओ। और अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ और भी करना चाहिए था तो वो भी कमेंट्स में शेयर करो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इस करवे को भी और इस वीडियो को भी, तो लाइक के बिना मत जाना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।